हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर आपने एमबीए कर रहे हो या फिर आप सीए कर रहे हो, तो आप मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टाटा के अंदर इंटर्नशिप निकल के आई है, जिससे आपका फायदा ये होगा कि आप पढ़ते वक्त ही बहुत सारी चीजों को सीख पाओगे, क्योंकि आप इंटर्नशिप करोगे और इंटर्नशिप के दौरान वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, जिससे आप इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाओगे। आप लर्न करोगे पढ़ते पढ़ते वक्त ही, तो इसीलिए ये इंटर्नशिप का यही मोटिव है कि आप जब तक आप पढ़ रहे हो उसी के दौरान ही आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाए, जिससे आपको आगे फर्दर जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर आप इन कोर्सेस को, चारों कोर्सेस में से कोई भी एक आप कोर्स कर रहे हो, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए बेस्ट रहोगे और आप इस इंटर्नशिप को जरूर अप्लाई करो। अगर आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। तो इस इंटर्नशिप को कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है, आके देखिए जरा इधर। सबसे पहले आपको आना है इसके ऊपर, टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड, ये टाटा का ही है, टाटा स्टील से ही है, तो इस पे आपको आ जाना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो इस इंटर्नशिप सेक्शन में आएंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेगी। स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिजनेस स्कूल में है, मतलब जो एमबीए कर रहे हैं या फिर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। अगर आप पूरे कंट्री में कहीं से भी बीटेक कर रहे हो या बीए कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो या फिर सीए कर रहे हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये जो इंटर्नशिप रहेगी वो 8 से 12 वीक के लिए रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने ये दिया हुआ है। अब जॉब ऑन द जॉब लर्निंग अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली ये अगर आपको वहाँ पे इंटर्नशिप जाएंगे तो वहाँ पे वो अगर आपको साइट पे ले जाके सिखाएंगे तो ये आपके लिए ऑन द जॉब लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। द इंटर्न शेयर देयर इनसाइट एक्सपोजर द लिंक बिटवीन द एकेडमिक एंड लर्निंग इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट। डेफिनेटली ये इंटर्नशिप क्या करेगी, ये लिंक प्रोवाइड करेगी किसके बीच में, एकेडमिक्स के और रियल लाइफ के बीच में, कि रियल लाइफ या कॉर्पोरेट वर्ल्ड या इंडस्ट्री में कैसे काम होता है और पढ़ाई के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर देगी। तो आप पहले ही प्रिपेयर हो जाओगे इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, यही इनका काम है। अब देख लीजिए इन्होंने आगे क्या क्या हुआ है। अब आपको देखिए यहाँ पे लिखा हाउ टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप, कैसे आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन्होंने सारे, कोई भी अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने फॉर्म अप्लीकेशन ऑन कर रखा है। तो इन्होंने सबसे पहले आपको ये क्या करेंगे, स्क्रीनिंग के लिए, इनिशियली स्क्रीनिंग के लिए जब आप इंटर्नशिप को अप्लाई कर देंगे, उसके बाद में ये लोग आपको कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट देंगे, उसी बेस पे ये सिलेक्शन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे और उसी अप्लाई में से जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उसमें से सिलेक्शन करने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट देंगे, उस प्रोजेक्ट के बेस पे वो लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे जब आ जाएंगे उसके बाद आप क्लिक अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एक नए पेज पे आएंगे। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, वही लोग अप्लाई कर लेंगे, बीटेक बी स्टूडेंट मस्ट बी कंप्लीट 6, मतलब जो लोग बीटेक कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं उनका 6 सेमेस्टर अगर आपका कंप्लीट है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और साथ के साथ ये भी देख लीजिए उन्होंने लिखा हुआ है एमबीए स्टूडेंट, अगर आप एमबीए स्टूडेंट हैं तो मस्ट बी कंप्लीटेड सेकेंड सेमेस्टर, अगर आप एमबीए में हैं तो आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, बीटेक या बीई कर रहे हैं तो आपका 6 सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए। सीए स्टूडेंट विल बी एलिजिबल एज, जो सीए स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है, कैसे एलिजिबल है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पोस्ट सबमिशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पोस्ट सबमिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन अप्रूवल लेटर, ठीक है। तो सीए स्टूडेंट लोग भी एलिजिबल रहेंगे इसके लिए, ये तभी एलिजिबल हो पाएंगे जिस भी आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वहां से आपको एक लेटर लेके आना होगा कि आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, इसकी वजह से उनको कोई परेशानी नहीं है। तो वो अक्सर जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो दे देते हैं, उसके बाद आप इस इंटर्नशिप को कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको भरना कैसे, देखिए मैंने आपको बता दिया, अगर बी बी टेक तो 6 सेमेस्टर कंप्लीट, एमबीए कर रहे हैं तो आपका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए। तो बस आपको फिल कैसे करना, आप अपना नाम भरेंगे, मिडल नेम और लास्ट नेम, ये सबको पता है। फिर आप अपना एड्रेस, स्टेट, सिटी, परमानेंट एड्रेस भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जेंडर भरेंगे, कैटेगरी भरेंगे, मैरिटल स्टेटस भरेंगे, मेल, फोन नंबर, अपनी क्वालिफिकेशन सारी भर देंगे, 10th पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कुछ और भी है तो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भरेंगे, नहीं है तो 0 भर देना सर, ठीक है। तो प्रेफरेंस लोकेशन, आप किस जगह पे करना चाहते हैं इंटर्नशिप को, उसके लिए है। तो आप देख लीजिएगा कि इनका कहाँ कहाँ पे, इनका देख लीजिएगा इनका कहाँ कहाँ पे प्लांट्स है, वहीं पे करवाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक चीज और है, इंस्टीट्यूशन ऑथोराइजेशन लेटर। तो आपको ना एक अपने इंस्टीट्यूशन से अथॉरिटी लेटर लेके आना होगा, आप बोलेंगे जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां पे जाके बोलेंगे, दे विल गिव टू यू, वो आपको दे देंगे और आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपना एक अच्छा सा सीवी बना के आपको अपलोड करना होगा और रेफर्ड बाय अगर है तो आप भर देंगे किसी को,
अदर डिटेल्स में क्या डालना, एनी अदर डिटेल्स दैट यू वुड सपोर्ट योर, हाँ अगर आपके पास कुछ और हो, आपके पास आपने कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में है तो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं, कैप्चा भरेंगे सबमिट कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। रही बात की ये इंटर्नशिप पेड है या अनपेड है, डेफिनेटली ये पेड ही रहेगी, पर यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा पूरी वेबसाइट में मैंने देख लिया कहीं पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि हम लोग इतना पर्टिकुलर अमाउंट ही देंगे आपको, जब भी ये आप ये सबमिट कर देंगे और जब आपका सिलेक्शन होगा तब डेफिनेटली वो आपको बता देंगे कि जो इंटर्नशिप का है वो कितना अमाउंट आपको हर महीने दिया जाएगा इंटर्नशिप करने के लिए। वैसे अगर नॉर्मली तरीके से सोचा जाए तो 15,000 से 20,000 इनको देना चाहिए इंटर्नशिप करने के लिए, तो डेफिनेटली ये जरूर देंगे और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। तो आपको पता है टाटा के अंदर इंटर्नशिप करने का एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ते वक्त ही आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको जान पहचान थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इससे भी आगे आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। तो आप ये इंटर्नशिप को अप्लाई कीजिए और तसल्ली पूर्वक से भरिए, कुछ भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो स्टिल बस थैंक यू देखने के लिए और मिलते हैं अगले इंटर्नशिप में।